रविवार सुबह सिटी थाने पर कुछ लोग एक वृद्ध का शव लेकर पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस बल के साथ ही थाना अधिकारी भी थाने पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जानकारी के अनुसार सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जावी से जुड़ा है, जहां 6 जुलाई को मलारगढ़ थाना क्षेत्र ग्राम सुटोट के निवासी प्रभुलाल पिता रामचंद्र गायरी और आशा राव अपनी भांजी चंचल और भूमिका को उनके पिता के घर ग्राम जावी गए थे, जहां प्रभुलाल की बहन मेना के पति ओम प्रकाश धनगर व उसके परिजन उन्हें अचानक ही बुजुर्ग प्रभुलाल के साथ विवाद करते हुए हॉकी लाठी और सरियों से मारपीट शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद शांत करते हुए घायल को तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां घायल प्रभुलाल की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां उदयपुर में शनिवार रात प्रभुलाल के उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन मृतक का शव लेकर रविवार सुबह सिटी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा करते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद जिला चिकित्सालय में मृतक के शव का परीक्षण कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक वृद्ध प्रभुलाल के परिजनों का कहना है कि जावी के रहने वाले ओम प्रकाश धनगर और उसके परिवार के लोग मेना के 2 लड़कियां हैं और लड़के की चाह में उसके ससुराल वालों ने मेना को प्रताड़ित करते हुए उसका पति ओम प्रकाश जोशी शादी करना चाहता है, जिसको लेकर विगत 1 साल से मीना की दोनों बालिकाएं चंचल और भूमिका उनके मामा के घर प्रभुलाल के पास रह रही थी और 6 जुलाई को भी मीना के पति व ससुराल वालों ने दोनों बालिकाओं को यह कहकर बुलाया था कि उनकी पढ़ाई बिगड़ रही है, इसलिए उन्हें यहाँ छोड़ दीजिए। जब छोड़ने गए तो नैना के ससुराल वालों ने मीना को एक कमरे में बंद कर दिया और उनके भाई प्रभुलाल के साथ जमकर मारपीट की, जिसके कारण वह गंभीर घायल हो गए और उदयपुर में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल उक्त मामले में पुलिस ने धाराएं बढ़ाई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है।